7 मापी गई तीव्रता। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा रहा भूकंप का केंद्र। पीएम मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर ली स्थिति की जानकारी। देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी जारी। पिछले 24 घंटों में 1,27,952 नए मामले दर्ज। 2,30,814 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 166.17 करोड़ से अधिक कोविड टीकों की दी गई खुराक। और अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। वेस्टइंडीज में खेली जा रही प्रतियोगिता में दोनों ही टीमें अब तक रही हैं अपराजित। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की जाती है विशेष पूजा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय हैदराबाद दौरे पर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ICRISAT संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी एक दिवसीय हैदराबाद यात्रा के दौरान इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ICRISAT संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। हम इस साल अपने 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस उपलक्ष्य पे हमें भारत के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। हमारे लिए और खुशी की बात है कि हमारी जो कल से जो शुरुआत हो रही है 50वें साल सेलिब्रेशन की, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं और इस समारोह को हम साल भर मनाएंगे। ICRISAT के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के क्रम में प्रधानमंत्री विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण करेंगे और संस्थान की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट का शुभारंभ करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन ICRISAT इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 एंड नाउ दिस ईयर इट इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 50th एनिवर्सरी, दैट इज गोल्डन जुबली ईयर। सो माननीय प्रधानमंत्री जी कल इधर आ रहे हैं actually, so he will give a talk to inspire the scientific community here. हैदराबाद स्थित ICRISAT भारत सहित एशिया एवं उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान का संचालन करने के अलावा फसल की किस्मों का विकास करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ICRISAT आगमन न केवल इस संस्थान के लिए गौरव की बात है बल्कि भारत सरकार की कृषि विकास की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। शनिवार को अपनी हैदराबाद यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICRISAT द्वारा तैयार किए गए लोगों का विमोचन करने के साथ साथ न केवल एक डाक टिकट स्वर्ण जयंती के अवसर पर जारी करेंगे बल्कि जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान सुविधा केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ICRISAT यात्रा न केवल कई मायनों में महत्वपूर्ण है बल्कि भारत सरकार की शिक्षा, शोध और अनुसंधान को लेकर कृषि के मामले में बढ़ावा देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हैदराबाद से मेरे सहयोगी संजय जैना के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज हैदराबाद। और आइए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। जेपी नड्डा आज दोपहर बाद हापुड़ के
ब्रह्मदेवी बालिका विद्यालय में और मुरादाबाद के राही होटल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के बाद आज शाम 5 बजे के बाद नोएडा के सेक्टर 12 में जनसंपर्क अभियान के तहत मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद नोएडा में भाजपा अध्यक्ष का प्रभावी मतदाता संवाद का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के मथुरा की बलदेव विधानसभा के दीनदयाल धाम फरहा में सार्वजनिक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद रक्षा मंत्री दोपहर में आगरा की खेरागढ़ विधानसभा के मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री का आगरा की ग्रामीण विधानसभा के ग्राम धमोटा कुंडेल में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। मथुरा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं पूरन प्रकाशी को मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के समय तो आपको नहीं दूंगा, जो आपके कहां आशा नहीं है। ये हमारी जिलाध्यक्ष मधु जी, मैं इसको आपको देता हूं और आपको देता हूं, इसलिए देता हूं, चुनाव बीत जाए तब ऐसे गरीब परिवार की कोई लड़की जो शादी होने के बाद घर से विदा हो गई और उसके पैरों में कोई चांदी की भी पायल ना हो, तो मेरा मुकुट तोड़कर उसके पैरों के लिए चांदी की पायल बना देगा, इसलिए मैं दे रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी आज गोवा के वेलिम विधानसभा क्षेत्र के रामनगरी में डोर टू डोर कैंपेन में भाग लेंगी। इसके बाद शाम में स्मृति ईरानी कंकोलिम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही इसके बाद उनका कानाकोना में भी जनसभा का कार्यक्रम है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राज्यों में प्रचार प्रसार तेजी पकड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज टनकपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर में रेलवे का बहुत काम हुआ है और टनकपुर से अयोध्या के लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी। इस टनकपुर से बागेश्वर को रेल लाइन करनी चाहिए, ये लंबे समय से मांग थी। इस मांग को भी सिरे तक ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक ले जाएंगे। अब इसके लिए भी 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है और ये सर्वे का काम शुरू हो गया है। टनकपुर से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है, लखनऊ के लिए ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद के लिए ट्रेन चल रही है। आने वाले समय में मैंने मांग की है, हम लोगों ने सबने मांग की है कि आने वाले समय में यहाँ से अयोध्या के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाएगी। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित श्री खंडी महादेव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के उधम सिंह नगर और गढ़वाल मंडल के हरिद्वार जनपद में वर्चुअल तरीके से चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी उधम सिंह नगर के किच्चा मंडी में किसान सम्मान रैली को और हरिद्वार में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों को प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद शाम में राहुल गांधी हरिद्वार में गंगा आरती में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज गोरखपुर के रामनगर कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान सिख समाज के लोगों से योगी आदित्यनाथ मिले। इसके अलावा उन्होंने मोहिद्दुपुर गुरुद्वारे में जाकर भी मत्था टेका। इससे पहले गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ ने मोहिद्दीपुर स्थित श्री गोपाल मंदिर में जाकर
दर्शन पूजन किया। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सीमा क्षेत्र में आज 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 9:45 बजे आया जमीन से 181 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का अधिकेंद्र था। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को फोन कर वहां आज सुबह आए भूकंप के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी ली। श्रीनगर के जाकुरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी संगठन लश्करे तैयबा TRF से जुड़े थे। एक की पहचान इखलाक हाजिन के रूप में हुई है, जो हाल में अनंतनाग के हसनपुरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 पिस्टल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,30,814 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल 13,31,648 कुल सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट 95.64% है। महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 168,98,00,000 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। देशभर में आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। बिहार की बात करते हैं। बिहार में बसंत पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के बीच मनाया जा रहा है। विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा भी की जा रही है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों के चलते मंदिरों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति नहीं है। इस कारण भक्त मंदिर के दरवाजे के बाहर से ही देवी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही विद्यालयों और सार्वजनिक स्थल पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाएं भी इस बार नहीं दिख रही हैं, क्योंकि स्कूल बंद हैं और सार्वजनिक पूजन उत्सव के आयोजन की मनाही की गई है। हालांकि लोग घरों के भीतर और आसपास के मंदिरों में देवी की आराधना कर रहे हैं। इस दौरान पूजा सामग्रियों की दुकानें भी लगी हुई हैं और वहां खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सीमित रूप में प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने की अनुमति दी है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से विधानसभा के पुस्तकालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसंत पंचमी के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पतंग उड़ाने के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पतंग भी उड़ाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम दिखाता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास की उड़ान भरी है। ये दिखाना है कि विकास की उड़ान मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कैसे उत्तर प्रदेश ने भरी है। ये विकास की उड़ान गरीब को पक्का मकान बनाकर देने की, गरीब को बिजली का कनेक्शन दिलाने की, गरीब को नल से स्वच्छ जल दिलाने की, गरीब को 5,00,000 का इलाज मुफ्त में दिलाने की, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाने की और गरीबों को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन देने की, ये ही विकास की उड़ान है जो उत्तर प्रदेश में गाँव-गाँव तक सड़क और सुविधाएँ पहुँचाने का काम किया है। इस विकास की उड़ान को और ऊँचा करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने विकास की उड़ान यानी कि देश में दूसरा स्थान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हासिल किया है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाकर दिखाएंगे।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। घाटों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों की सफाई फ्लड कंपनी के जवान और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के नहाने के लिए घाटों पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। बसंत पंचमी के मौके पर अभी तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र और पावन संगम में स्नान किया है। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती देवी की पूजन होता, माँ सरस्वती देवी का पूजन किया जाता है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग में जो महत्वपूर्ण स्नान है उनमें से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। मैंने तो यही मांगा, एक जो हमारी इच्छा है, जो हम सब सारे स्टूडेंट की इच्छा है कि उन्हें उनका कोई अच्छी सी जॉब मिले। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा पर्व होता है ऐसा यह मानते हैं, इसलिए प्रयागराज में सभी लोग बसंत पंचमी पर स्नान करने आते हैं। हम मानते हैं कि सरस्वती देवी का यहाँ वास है, गंगा यमुना का यहाँ मेल है, हम लोग यहाँ ज्ञान मांगने आते हैं, सभी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम सब परिवार के साथ आते हैं यहाँ स्नान करने। बसंत पंचमी के पवित्र मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। भक्तों ने बसंत पंचमी के अवसर पर जमकर नृत्य किया, श्रद्धालु बड़ी संख्या में मग्न होकर नाचते दिखाई दिए। और उधर पंजाब में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के गुरुद्वारा छेहरटा साहिब में पूजा की और सरोवर में स्नान किया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर बनाकर सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। पटनायक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मां सरस्वती की तस्वीर को शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने बधाई संदेश भी लिखा है। बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि सभी के लिए प्रार्थना, सरस्वती पूजा के अवसर पर पूरी समुद्र तट पर मां सरस्वती को समर्पित मेरी तस्वीर, रेत पर मां सरस्वती की उकेरी तस्वीर कला की श्रद्धा, भावना और रचनात्मकता को दर्शाती है। सुदर्शन द्वारा रेत पर बनाई गई मां सरस्वती की ये छवि ये भावनात्मक रूप से मां सरस्वती से जोड़ती है और उनकी याद दिलाती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। बीआरओ मशीनों की मदद से तेजी से सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में भी शुक्रवार को बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। डीडी न्यूज आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करेंगे। इसके अलावा आज हम जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दलोई और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जुथिका रॉय को भी याद करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करते हैं, जिनका 5 फरवरी 1947 को निधन हो गया था। वो तत्कालीन भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से शिक्षक रमेश स्वामी 1937 में भरतपुर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार के लिए लोगों को संगठित करने की गतिविधियों में भाग लिया और भरतपुर शासक के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित करने के लिए राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा की। मई 1939 में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया, परिणाम स्वरूप उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1942 में रमेश स्वामी ने भरतपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया।
फरवरी 1947 में रमेश स्वामी ने भुसावर और भरतपुर राज्य के अन्य स्थानों पर बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कई जगह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। रमेश स्वामी को वहां जाने से रोका गया और उन्हें बस में नहीं बैठने दिया गया। विरोध स्वरूप सत्याग्रही बस के आगे लेट गए। पुलिस के आदेश पर सत्याग्रहियों को निर्ममता से कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। रमेश स्वामी और कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हम इन सभी महान शहीदों को नमन करते हैं। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। आज हम जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दोलोई को भी याद कर रहे हैं, जो 5 फरवरी 1862 को शहीद हुए थे। जयंतिया हिल्स के एक क्षेत्र के प्रमुख ऊ गिरी दलोई ने मेघालय में अपने पैतृक गांव शांगपुंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश सशस्त्र बलों का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा जयंतिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर आवास कर तथा आय कर लगाने के कारण जयंतिया क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई थी। जयंतिया लोगों ने हथियार उठा लिए। उगिरी दोलोई ने अपने योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हम इस महान जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका ज्योतिका रॉय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 5 फरवरी 2014 को हुआ था। वे महात्मा गांधी की पसंदीदा गायिका थीं। गांधी जी अपनी प्रार्थना से पहले हर दिन उनके भजन सुनते थे। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात ज्योतिका रॉय मीराबाई के भजनों के गायन के लिए लोकप्रिय थीं। ज्योतिका रॉय ने जब आकाशवाणी से पहली बार गाया तब वे केवल 7 साल की थीं। काजी नजरुल इस्लाम उनके पहले गुरु थे। 1946 में गांधी जी ने उन्हें बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के अशांत दिनों के दौरान कलकत्ता में अपने भाषण से ठीक पहले भजन गाने के लिए कहा। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उनसे गाने के लिए उनके कार्यक्रम के 15 मिनट का समय समाप्त होने के बाद भी तब तक गाना जारी रखने का अनुरोध किया जब तक कि वे झंडा न फहरा दें। ज्योतिका रॉय ने हिंदी और बंगाली के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे उर्दू और तमिल में भी गाया। इस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और आइए अब बात करते हैं खेलों की। वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भारत की नजरें रिकॉर्ड 5वें खिताब पर है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये मुश्किल भी नहीं लग रहा। दूसरी ओर 24 वर्ष में पहला फाइनल खेल रही इंग्लैंड का इरादा भी इतिहास रचने का है और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो सलामी बल्लेबाज अंकरिश रघुवंशी और हरनूर सिंह अच्छी फॉर्म में है। वहीं कप्तान यश धुल और रशीद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में खराब शुरुआत के बाद जिस तरह से पारी को संभाला उससे उनकी परिपक्वता नजर आई। प्रदर्शन दमदार, जीत मिली शानदार और अब तैयारी 5वीं बार विश्व चैंपियन बनने की। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम कप्तान यश धुल के नेतृत्व में इतिहास रचने की ओर है। जहां अब फाइनल में टीम का सामना इंग्लैंड से होना है, वो इंग्लैंड जिसने 24 साल पहले 1998 में इस खिताब को अपना बनाया था। वैसे भारतीय टीम का इस बार का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है। जहां टीम ने लीग स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीते तो वहीं क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश और सेमीफाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया को हराया। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये सभी जीत ऐसे समय पर आई जब टीम के अंदर प्रतियोगिता के दौरान कोविड के मामले सामने आए। भारतीय टीम ने गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में अव्वल नंबर हासिल किया। गेंदबाजी में रवि कुमार और विकी ओस्तवार दोनों लाजवाब रहे। एक ने अपनी तेजी और स्विंग से मात दी तो दूसरे ने फिरकी से। वहीं बल्लेबाजी में यश धुल, अंकरिश रघुवंशी,
शेख रशीद और हरनूर सिंह जैसे बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी का एक अलग ही क्लास दिखाया। वहीं इंग्लैंड टीम की बात करें तो ये टीम भी इस विश्व कप में अब तक हारी नहीं है। टीम ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लिश खेमे में उनके स्पिनर रेहान अहमद की भूमिका काफी अहम रही, जिन्होंने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से सेमीफाइनल में जीत दिलाई। इंग्लैंड के टॉप स्कोरर टीम के कप्तान टॉम प्रेस्ट हैं, जो अब तक 292 रन बना चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमों के बीच अब तक 49 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 11 और भारत ने 37 मुकाबले जीते हैं। यानी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड बनते और बिगड़ते दोनों हैं। ऐसे में बस इस एक बात को टीम इंडिया को जरूर ध्यान में रखना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, मीडिया न्यूज। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन को मौजूदा पाकिस्तान सुपर लीग बिग बैश लीग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से रोक दिया गया है। 2 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच के दौरान हसनैन के एक्शन की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्होंने लाहौर में अपने एक्शन की जांच कराई और उनका एक्शन अवैध पाया गया। अब उन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच और घरेलू क्रिकेट लीग में भी गेंदबाजी करने से रोक दिया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग में दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के खिलाफ 8 से 13 फरवरी तक होने वाले मुकाबलों के लिए शुक्रवार को जोहान्सबर्ग रवाना हो गई, जबकि बीमारी के कारण एन मौके पर सीनियर फॉरवर्ड ललित उपाध्याय और मिडफील्डर जसकरण सिंह नहीं जा सके। 2 सीनियर खिलाड़ियों से यूं बाहर होने से टीम को हल्का झटका लगा है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम फ्रांस से 8 फरवरी को पहला मैच इस टीम को खेलना है और अगले दिन दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा। वहीं फ्रांस से फिर 12 फरवरी को मैच होगा और अगले दिन मेजबान से खेलना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। ए ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी जालिम लोशन। की चोट है कीमती, हर वोट है वार है प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है हर वक्त की हर खबर, इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त, सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां। हर बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी। की बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा, बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा, सटीक खबर, भरोसेमंद खबर और पैनी नजर। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण, कब्जा कर देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आज पाटनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का करेंगे शुभारंभ। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी मुख्यमंत्री राज्य में कर रहे हैं प्रचार। वहीं स्मृति ईरानी गोवा में करेंगी जनसंपर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा रहा भूकंप का केंद्र। पीएम मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर ली स्थिति की जानकारी। देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी जारी। पिछले 24 घंटों में 1,27,952 नए मामले दर्ज। 2,30,814 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 166.17 करोड़ से अधिक कोविड टीकों की दी गई खुराक। और अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। वेस्टइंडीज में खेली जा रही प्रतियोगिता में दोनों ही टीमें अब तक रही हैं अपराजित। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की जाती है विशेष पूजा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय हैदराबाद दौरे पर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ICRISAT संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी एक दिवसीय हैदराबाद यात्रा के दौरान इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ICRISAT संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। हम इस साल अपने 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस उपलक्ष्य पे हमें भारत के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। हमारे लिए और खुशी की बात है कि हमारी जो कल से जो शुरुआत हो रही है 50वें साल सेलिब्रेशन की, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं और इस समारोह को हम साल भर मनाएंगे। ICRISAT के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के क्रम में प्रधानमंत्री विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण करेंगे और संस्थान की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट का शुभारंभ करेंगे।
a organization, ICRISAT, it was established in 1972. And now this year it is going to celebrate its 50th anniversary, that is Golden Jubilee year. So Manani Pradhan Mantri ji kal idhar aa rahe hain actually. So he will give a talk to inspire the scientific community here. हैदराबाद स्थित ICRISAT भारत सहित एशिया एवं उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान का संचालन करने के अलावा फसल की किस्मों का विकास करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ICRISAT आगमन न केवल इस संस्थान के लिए गौरव की बात है बल्कि भारत सरकार की कृषि विकास की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। शनिवार को अपनी हैदराबाद यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICRISAT द्वारा तैयार किए गए लोगों का विमोचन करने के साथ साथ न केवल एक डाक टिकट स्वर्ण जयंती के अवसर पर जारी करेंगे बल्कि जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान सुविधा केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ICRISAT यात्रा न केवल कई मायनों में महत्वपूर्ण है बल्कि भारत सरकार की शिक्षा, शोध और अनुसंधान को लेकर कृषि के मामले में बढ़ावा देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हैदराबाद से मेरे सहयोगी संजय जैना के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज हैदराबाद। और आइए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। JP नड्डा आज दोपहर बाद हापुड़ के ब्रह्मदेवी बालिका विद्यालय में और मुरादाबाद के राही होटल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के बाद आज शाम 5 बजे के बाद नोएडा के सेक्टर 12 में जनसंपर्क अभियान के तहत मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद नोएडा में भाजपा अध्यक्ष का प्रभावी मतदाता संवाद का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के मथुरा की बलदेव विधानसभा के दीनदयाल धाम फरहा में सार्वजनिक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व के सरकार में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की मान प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। आज के कुछ वर्षों पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया उसे हल्के तरीके से लेगी। भारत यह कमजोर भारत है, भारत गरीब भारत। हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए था दुनिया नहीं लेती। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गहरा भाइयों आप भी सीना ठोक कर कह सकते हो कि आपका भारत अब कमजोर भारत नहीं है। आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है। अब यह है हैसियत भारत की बनने। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी आज गोवा के वेलिम विधानसभा क्षेत्र के रामनगरी में डोर टू डोर कैंपेन में भाग लेंगी। इसके बाद शाम में स्मृति ईरानी कंकोलिम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही इसके बाद उनका कानाकोना में भी जनसभा का कार्यक्रम है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राज्यों में प्रचार प्रसार तेजी पकड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज टनकपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर में रेलवे का बहुत काम हुआ है और टनकपुर से अयोध्या के लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी। इस टनकपुर से बागेश्वर को रेल लाइन चलनी चाहिए। यह लंबे समय से मांग थी। इस मांग को भी सिरे तक ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री जी का बन रहा है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक ले जाएंगे। अब इसके लिए भी 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। सर्वे का काम शुरू हो गया। टनकपुर से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है।
दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है, लखनऊ के लिए ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद के लिए ट्रेन चल रही है। आने वाले समय में मैंने मांग की है, हम लोगों ने सबने मांग की है कि आने वाले समय में यहाँ से अयोध्या के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाएगी। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित श्री खंडी महादेव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के उधम सिंह नगर और गढ़वाल मंडल के हरिद्वार जनपद में वर्चुअल तरीके से चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी उधम सिंह नगर के किच्छा मंडी में किसान सम्मान रैली को और हरिद्वार में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों को प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद शाम में राहुल गांधी हरिद्वार में गंगा आरती में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज गोरखपुर के रामनगर कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान सिख समाज के लोगों से योगी आदित्यनाथ मिले। इसके अलावा उन्होंने मोहिद्दुपुर गुरुद्वारे में जाकर भी मत्था टेका। इससे पहले गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ ने मोहिद्दुपुर स्थित श्री गोपाल मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सीमा क्षेत्र में आज 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 9:45 आया जमीन से 181 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का अधिकेंद्र था। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को फोन कर वहां आज सुबह आए भूकंप के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी ली। श्रीनगर के जाकुरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी संगठन लश्करे तैयबा TRF से जुड़े थे। एक की पहचान इखलाक हाजिन के रूप में हुई है, जो हाल में अनंतनाग के हसनपुरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 पिस्टल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,30,814 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल 13,31,648 कुल सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट 95.64% है। महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 168,98,00,000 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। देश भर में आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। बिहार की बात करते हैं। बिहार में बसंत पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के बीच मनाया जा रहा है। विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा भी की जा रही है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों के चलते मंदिरों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति नहीं है। इस कारण भक्त मंदिर के दरवाजे के बाहर से ही देवी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही विद्यालयों और सार्वजनिक स्थल पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाएं भी इस बार नहीं दिख रही हैं, क्योंकि स्कूल बंद हैं और सार्वजनिक पूजन उत्सव के आयोजन की मनाही की गई है। हालांकि लोग घरों के भीतर और आसपास के मंदिरों में देवी की आराधना कर रहे हैं। इस दौरान पूजा सामग्रियों की दुकानें भी लगी हुई हैं
और वहां खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सीमित रूप में प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने की अनुमति दी है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से विधानसभा के पुस्तकालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसंत पंचमी के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पतंग उड़ाने के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पतंग भी उड़ाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम दिखाता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास की उड़ान भरी है। ये दिखाना है कि विकास की उड़ान मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कैसे उत्तर प्रदेश ने भरी है। ये विकास की उड़ान गरीब को पक्का मकान बनाकर देने की, गरीब को बिजली का कनेक्शन दिलाने की, गरीब को नल से स्वच्छ जल दिलाने की, गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिलाने की, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाने की और गरीबों को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन देने की, ये ही विकास की उड़ान है जो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सड़क और सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। इस विकास की उड़ान को और ऊंचा करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने विकास की उड़ान यानी कि देश में दूसरा स्थान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हासिल किया है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाकर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। घाटों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों की सफाई फ्लड कंपनी के जवान और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के नहाने के लिए घाटों पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। बसंत पंचमी के मौके पर अभी तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र और पावन संगम में स्नान किया है। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती देवी की पूजन होता, माँ सरस्वती देवी का पूजन किया जाता है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग में जो महत्वपूर्ण स्नान है उनमें से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। मैंने तो यही मांगा है कि जो हमारी इच्छा है, जो हम सब सारे स्टूडेंट की इच्छा है कि उन्हें उनका एक अच्छी सी जॉब मिले। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा पर्व होता है ऐसा यह मानते हैं, इसलिए प्रयागराज में सभी लोग बसंत पंचमी पर स्नान करने आते हैं। हम मानते हैं कि सरस्वती देवी का यहाँ वास है, गंगा यमुना का यहाँ मेल है, हम लोग यहाँ ज्ञान मांगने आते हैं, सभी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम सब परिवार के साथ आते हैं यहाँ स्नान करने। बसंत पंचमी के पवित्र मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। भक्तों ने बसंत पंचमी के अवसर पर जमकर नृत्य किया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मग्न होकर नाचते दिखाई दिए। और उधर पंजाब में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के गुरुद्वारा छेहरटा साहिब में पूजा की और सरोवर में स्नान किया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर बनाकर सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। पटनायक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मां सरस्वती की तस्वीर को शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने बधाई संदेश भी लिखा है। बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि सभी के लिए प्रार्थना, सरस्वती पूजा के अवसर पर पूरी समुद्र तट पर मां सरस्वती को समर्पित मेरी तस्वीर, रेत पर मां सरस्वती की उकेरी तस्वीर कला की श्रद्धा, भावना और रचनात्मकता को दर्शाती है। सुदर्शन द्वारा रेत पर बनाई गई मां सरस्वती की ये छवि ये भावनात्मक रूप से मां सरस्वती से जोड़ती है और उनकी याद दिलाती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। बीआरओ मशीनों की मदद से तेजी से सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में भी शुक्रवार को बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है।
प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। डीडी न्यूज आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करेंगे। इसके अलावा आज हम जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दलोई और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका ज्योतिका रॉय को भी याद करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करते हैं, जिनका 5 फरवरी 1947 को निधन हो गया था। वो तत्कालीन भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से शिक्षक रमेश स्वामी 1937 में भरतपुर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार के लिए लोगों को संगठित करने की गतिविधियों में भाग लिया और भरतपुर शासक के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित करने के लिए राज्य के सभी हिस्सों की मई 1939 में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1942 में रमेश स्वामी ने भरतपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1947 में रमेश स्वामी ने भुसावर और भरतपुर राज्य के अन्य स्थानों पर बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कई जगह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। रमेश स्वामी को वहां जाने से रोका गया और उन्हें बस में नहीं बैठने दिया गया। विरोध स्वरूप सत्याग्रही बस के आगे लेट गए। पुलिस के आदेश पर सत्याग्रहियों को निर्ममता से कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। रमेश स्वामी और कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हम इन सभी महान शहीदों को नमन करते हैं। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। आज हम जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दलोई को भी याद कर रहे हैं, जो 5 फरवरी 1862 को शहीद हुए थे। जयंतिया हिल्स के एक क्षेत्र के प्रमुख ऊ गिरी दलोई ने मेघालय में अपने पैतृक गांव शांगपुंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश सशस्त्र बलों का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा जयंतिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर आवास कर तथा आय कर लगाने के कारण जयंतिया क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई थी। जयंतिया लोगों ने हथियार उठा लिए। उग्री दोलोई ने अपने योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हम इस महान जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका ज्योतिका रॉय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 5 फरवरी 2014 को हुआ था। वे महात्मा गांधी की पसंदीदा गायिका थीं। गांधी जी अपनी प्रार्थना से पहले हर दिन उनके भजन सुनते थे। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात ज्योतिका रॉय मीराबाई के भजनों के गायन के लिए लोकप्रिय थीं। ज्योतिका रॉय ने जब आकाशवाणी से पहली बार गाया तब वे केवल 7 साल की थीं। काजी नजरुल इस्लाम उनके पहले गुरु थे। 1946 में गांधी जी ने उन्हें बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के अशांत दिनों के दौरान कलकत्ता में अपने भाषण से ठीक पहले भजन गाने के लिए कहा। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उनसे गाने के लिए उनके कार्यक्रम के 15 मिनट का समय समाप्त होने के बाद भी तब तक गाना जारी रखने का अनुरोध किया जब तक कि वे झंडा ना फहरा दें। ज्योतिका रॉय ने हिंदी और बंगाली के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे उर्दू और तमिल में भी गाया। इस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और आइए अब बात करते हैं खेलों की। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।
भारत की नजरें रिकॉर्ड पांचवें खिताब पर है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये मुश्किल भी नहीं लग रहा। दूसरी ओर 24 वर्ष में पहला फाइनल खेल रही इंग्लैंड का इरादा भी इतिहास रचने का है और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो सलामी बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी और हरनूर सिंह अच्छी फॉर्म में हैं, वहीं कप्तान यश धुल और रशीद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में खराब शुरुआत के बाद जिस तरह से पारी को संभाला उससे उनकी परिपक्वता नजर आई। प्रदर्शन दमदार, जीत मिली शानदार और अब तैयारी पांचवी बार विश्व चैंपियन बनने की। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम कप्तान यश धुल के नेतृत्व में इतिहास रचने की ओर है, जहां अब फाइनल में टीम का सामना इंग्लैंड से होना है।